Good morning, students. This is our new chapter, Our Food. In this chapter, we will learn about role of food, components of food, and a balanced diet. So, firstly, we will discuss about role of food. Food का क्या role होता है? How do we feel when we do not eat food for a long time? हम कैसा feel करते हैं जब हमने long time से अपना food नहीं खाया होता है? तो हम कैसा feel करते हैं? तो आप सभी को पता है आपके body में आपको weakness feel होने लगती है. We cannot do any work because our body did not get the required amount of energy. और हम अपना कोई काम भी नहीं कर पाते क्योंकि हमारे बॉडी में एनर्जी नहीं होती है. सो दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम द फूड दैट वी ईट. तो ये एनर्जी हमें किससे मिलती है? ये एनर्जी हमें हमारे फूड से मिलती है जो भी हम खाते हैं. फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. फूड हमें एनर्जी देते हैं फॉर वर्क एंड प्ले, एंड ये हमारे ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं और हमें बहुत सारी डिजीजेज से भी प्रोटेक्ट करते हैं. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड. आप सभी डिफरेंट टाइप के फूड्स खाते होंगे. फॉर एग्जाम्पल राइस, वेजिटेबल, फ्रूट्स, एग्स, ये सारी चीज़ें आप खाते हो. तो डिफरेंट टाइप के फूड्स जो होते हैं वो डिफरेंट सब्सटेंसेस को कंटेन करते हैं जिन्हें न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. द मेन न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, वाइटमिन एंड मिनरल्स. तो ये सारे आपके 5 मेन न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी बॉडी में इंपॉर्टेंट फंक्शंस को प्ले करते हैं, परफॉर्म करते हैं. फूड ऑल्सो कंटेन रफेज एंड वाटर. इसके अलावा आपके फूड में रफेज एंड वाटर भी प्रेजेंट होते हैं. रफेज मीन्स द फाइबर इन फूड दैट वी कैन नॉट डाइजेस्ट. रफेज कुछ ऐसे फाइबर्स होते हैं जिन्हें हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये हमारे बॉडी के वेस्ट को बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करते हैं. फर्स्ट न्यूट्रिएंट इज कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट आर एनर्जी गिविंग फूड आइटम्स. आपको नेम से क्लियर हो गया होगा, एनर्जी गिविंग फूड आइटम्स मीन्स ये हमारे बॉडी को एनर्जी देते होंगे. इनके सोर्सेज क्या क्या होते हैं? राइस, व्हीट, शुगर, पोटैटो, ये सारे इनके सोर्सेज होते हैं. ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड दोज पीपल हु डू अ लॉट ऑफ फिजिकल वर्क शुड ईट कार्बोहाइड्रेट रिच फूड आइटम्स. जितने भी ग्रोइंग चिल्ड्रन होते हैं और जो फिजिकल एक्टिविटीज ज़्यादा करते हैं लाइक फार्मर्स, स्पोर्ट्स पर्सन, उनको कार्बोहाइड्रेट्स रिच फूड आइटम्स खाने चाहिए. नेक्स्ट प्रोटीन्स. प्रोटीन आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड आइटम्स. बॉडी बिल्डिंग फूड आइटम्स किसे कहते हैं? प्रोटीन्स को कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे जितने भी डैमेज पार्ट्स होते हैं बॉडी के उनको रिपेयर करते हैं और ये हमारे सेल्स की ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं. हमारी बॉडी सेल्स से बनी होती है तो ये उनकी ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं. इनके सोर्सेज क्या क्या होते हैं? मिल्क, चीज़, एग्स, कर्ड एक्सेट्रा, ये सारे इनके सोर्सेज होते हैं. चिल्ड्रन नीड टू ईट फूड कंटेनिंग प्रोटीन्स एज दे हेल्प देम टू ग्रो वेल. और जितने भी बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, उनको प्रोटीन रिच फूड खाने चाहिए क्योंकि उनकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं. तो ये थी हमारी आज की वीडियो. इसके आगे के टॉपिक्स को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. थैंक यू.